सुनाएगा। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या फैसला सुनाया जाता है, क्या दोनों दोषियों को फांसी की सजा दी जाती है, जैसा कि मांग न सिर्फ पीड़ित के परिजन बल्कि पूरा देश कर रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे कोई इस तरीके के जुर्म करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। कुछ ही समय में फैसला सामने आएगा। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, भीलवाड़ा से ये सीधी तस्वीर। कोटड़ी भट्टी कांड के आरोपियों के कोर्ट में पेशी की जा रही है कड़ी सुरक्षा के बीच। ये वो घटना जो शायद कोई कभी भूल पाए, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ जो बकरी चराने गई थी, पहले गैंगरेप उसके बाद उसकी हत्या, शव को भट्टी में डालकर जलाया गया। और पुलिस की ओर से ये कहा गया कि कई लोगों ने शव को जलाने में, सबूत मिटाने में योगदान दिया, जिसके दम पर 7 और लोगों को भी कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि इससे पहले जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तो 7 आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन पीड़ित परिवार इसे लेकर असंतुष्ट है। और पीड़ित परिवार का कहना है कि जिन जिन लोगों ने साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की, उन सभी को भी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे में वो आगे कोर्ट में इसे लेकर पिटीशन दायर करेंगे। तो दोषी कोर्ट में लाए गए हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ ही समय में फैसला सामने आने वाला है कोर्ट की ओर से, और देखना महत्वपूर्ण है कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाता है। पीड़ित परिवार भी इस वक्त कोर्ट परिसर में पहुंचा हुआ है, जहां पर पीड़ित परिवार फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। तो ये घटना स्तब्ध कर देने वाला था, पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाला, जहां पर एक बच्ची के साथ न सिर्फ गैंगरेप बल्कि बड़े ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या की गई, और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाया गया, भट्टी में डालकर उसके शव को जलाया गया, जिससे कि सबूत मिट जाए। इस पूरे मामले में पुलिस को भी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जलाने के बाद से जो साक्ष्य थे वो मिट गए थे, लेकिन पुलिस की ओर से कोशिशें की गई कि सभी को सज़ा ज़रूर मिले। हालांकि अब सवाल ये है कि कमी कहाँ रह गई पुलिस की ओर से, क्योंकि 7 आरोपियों को बरी कर दिया है कोर्ट ने। तो भट्टी कांड मामले को लेकर इस वक्त ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, और कुछ ही समय में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो बहुचर्चित भट्टी कांड को लेकर लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भट्टी कांड मामले में आज फैसला सामने आने वाला है। सबसे पहले नतीजे आपको बताएंगे, वो फैसला बताएंगे जो कोर्ट ने लिया है आरोपियों के खिलाफ। तो आज कोर्ट अपना फैसला लेने वाला है। कोटड़ी में भट्टी कांड हुआ, शनिवार को 2 आरोपियों को दोष सिद्ध करार दिया गया। इनमें कालू और कान्हा शामिल हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। कोर्ट ने 2 आरोपियों के दोष को सिद्ध करार दिया, कालू और कान्हा जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं पुलिस की ओर से। इस केस के 7 आरोपियों को हालांकि बरी कर दिया गया, और पॉक्सो कोर्ट इस मामले में आज सजा का ऐलान करेगी। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सजा का ऐलान होगा आज, क्या तैयारियां वहां पर और क्या कह रहा है पीड़ित परिवार? दो दोषी हैं, उनकी सजा का फैसला आज होगा। शनिवार को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था, 9 में से 7 जनों को बरी कर दिया गया था। आज जो कोर्ट है पॉक्सो कोर्ट, उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। भारी बल सुरक्षा बल के अंदर में उन दोनों मुजरिमों को यहाँ लाया जाता है। अभी उनको कोर्ट परिसर में लिया गया है, अंदर उनको सजा सुनाई जाएगी। बेसब्री से परिवारजन और जो भीलवाड़ा के लोग हैं, जो इस भट्टी कोटड़ी कांड को जानते हैं, वो इंतजार कर रहे थे इस फैसले का। आज उस फैसले की घड़ी आ चुकी है, कुछ ही देर में फैसला सुना दिया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, और हालिया जो दोनों दोषी है वो कोर्ट के अंदर है। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। 3 अगस्त 2023 को कोटड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म, उसके बाद उसे भट्टी में डालकर जलाने की वारदात हुई थी, और पुलिस ने एक माह बाद चार्जशीट पेश की थी। और इस पूरे मामले में 7 लोगों को रिहा किया गया था, उनके ऊपर जो चार्जशीट पेश किए गए थे, कोर्ट ने उसे ना मानते हुए सभी को रिहा कर दिया था। हालांकि 2 लोगों को दोषी करार दिया गया था, और लगातार वहां से अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कह रहा है पीड़ित परिवार राहुल? जी बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार है उसके न्यूज 18 में एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उनका एक ही कहना है कि हमें न्याय दिलाया जाए, कैपिटल पनिशमेंट दी जाए,
फांसी की सजा की वो मांग कर रहे हैं। वहीं जो सात आरोपियों को बरी किया गया है उनके उस जो फैसला है उसके वो खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि हम आगे जाके अपील करेंगे, नौ के नौ आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। दो जो दोषी बनाए गए हैं मुख्य आरोपी हैं उनके अलावा वो सात जनों को जो बरी किया गया है उनको भी परिवार दोषी मान रहा है, तो कहीं ना कहीं फांसी की सजा की मांग की जा रही है। वहीं जो सात आरोपी हैं उनके लिए भी परिवार, जिनको बरी किया गया है उनके लिए भी परिवार आगे जाके अपील करेगा। जी बिल्कुल, तो परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, आगे इस मामले पर अपील की जाएगी, पिटीशन दायर किया जाएगा और जो सात आरोपी जिन्हें बरी किया गया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग है। हालांकि अभी जो दो आरोपी हैं मुख्य आरोपी उनके खिलाफ फैसले की मांग जो है वो की जा रही है कि फांसी की सजा दी जाए। तीन अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कोर्ट में सजा पर आज फैसला आने वाला है और बेसब्री से पूरे देश को इस फैसले का इंतजार है। भीलवाड़ा के भट्टी कांड की दूसरी तस्वीर, जब जघन्य हत्याकांड गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और आरोपी जब कोर्ट लाए गए हैं उस दौरान की भी तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। राहुल, सुरक्षा के क्या इंतजाम देख पा रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, जो गंभीरता है इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात है। तीन थाने के एसएसओ यहाँ पे हैं, कोठड़ी एसएसओ यहाँ पे हैं और जो एडिशनल एसपी हैं विमल सिंह नेहरा वो यहाँ पे है, भारी सुरक्षा बल तैनात है। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि देखिए लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो पुलिस पूरी सावधानी बरत रही है इन आरोपियों को लाने और ले जाने में। वहीं जो परिवार है उनको भी सुरक्षा दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो अपना जो काम है वो पूरी तरह कर रही है। सुबह 7 बजे ही जाप्ता लगा दिया गया था, मुलजिमों का इंतजार कर रहा था। अभी कुछ ही देर पहले पुलिस, भारी पुलिस बल जाप्ते में पुलिस जो जेल है जेल से इन मुलजिमों के यहाँ लाया गया है और पुलिस अभी भी कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी हुई है, तैनात है, पूरी सुरक्षा देने के लिए पूरी मौजूद है पुलिस यहाँ पे। बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती की गई है। राहुल, क्या जज पहुंच चुके हैं और कितना वक्त लग सकता है फैसला सामने आने में? जी देखिए, कहीं ना कहीं इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। जज अंदर हैं, जो पीपी हैं महावीर कृष्णावत वो अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुनवाई है वो जल्द होगी और जो फैसला है अभी सुना दिया जाएगा। उम्मीद यही लगा के सब बैठे हैं, परिवार जन, पूरा परिवार जो पीड़िता का है वो यहाँ आया हुआ है, वो उम्मीद लगा के बैठा है। जो याजुक है कयास बड़ी आंखों से बैठा हुआ है कि आज सजा सुना दी जाए ताकि वो जो आगे जो सात जने जिनको बरी किया है उनके खिलाफ जाके वह अपील कर सके और बेटी को न्याय दिला सके। पीड़ित परिवार कह रहा है कि जिन सात लोगों को बरी किया गया, राहुल हम इसे लेकर आगे जाएंगे, पिटीशन दायर करेंगे और न्याय की गुहार लगाई जा रही है उनकी ओर से। पुलिस क्या कह रही है, कहां कमी रह गई आके चार्जशीट पेश करने में? देखिए बिल्कुल, जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, जब से उन्होंने फैसला सुना भाई, देखिए खुशी भी थी कि जो मुख्य आरोपी जो दो थे काना और कालू उनको दोषी करार दे दिया गया, पर कहीं ना कहीं वो परेशान भी थे। जो सात दोषी थे उनको छोड़ दिया गया, उनको बरी कर दिया गया, तो परिवार में कहीं ना कहीं एक मिक्स इमोशन सामने आ रहे थे। तो वो चाहते हैं कि जो सात जने हैं जिनको बरी किया गया है उनके खिलाफ हाई कोर्ट आगे अपील हो, और यही जो महावीर कृष्णावत हैं जो स्पेशल पीपी लगाए गए भट्टी कांड में, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि हम ऑर्डर शीट पढ़ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कुछ पॉइंट्स जो है उनको देख रहे हैं ताकि हम आगे और मजबूती से अपील कर सके, जो सात आरोपी हैं उनको भी सजा दिला सके। देखिए कहीं ना कहीं जो परिवार है उन्होंने अपनी बेटी खोई है, तो कहीं ना कहीं पूरे इस प्रकरण में वो सिद्ध है और वो चाहते हैं कि जो भी आरोपी हैं, ये नौ आरोपी हैं, इनको सबको सजा मिले। जी सभी को सजा मिले ये इंतजार कर रहे हैं लोग। और फिलहाल जो दो मुख्य आरोपी हैं कालू और कान्हा उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जैसा कि राहुल बता रहे हैं कि कुछ ही समय में कोर्ट का फैसला सामने आएगा। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि पीड़ित परिवार के मांग के हिसाब से क्या उन्हें फांसी की सजा दी जाती है या कुछ और फैसला होता है, उम्र कैद या फिर कुछ और। लगातार नजर हम बनाए हुए हैं, लेकिन राहुल क्योंकि ये जघन्य हत्याकांड जिसे लेकर पूरा देश स्तब्ध हो गया था, वहां पर कुछ लोग पहुंचे हैं क्या कोर्ट परिसर में? जी बिल्कुल, जब पुलिस यहाँ पे पहुंची थी सुबह 7 से 8 के बीच में, तब यहाँ भीड़ नहीं थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया 9 बजती गई लोगों का जमावड़ा यहाँ लगने लगा। जो कोठड़ी के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे, भीलवाड़ा जिले के लोग यहाँ पहुंचे, जिन लोगों इन इस कांड के बारे में पता है, जो आसपास के लोग थे वो यहाँ पे पहुंचे। इसको देखते हुए पुलिस ने भारी बल तैनात किया, एडिशनल एसपी विमल सिंह नेहरा खुद यहाँ पे थे, सीओ सिटी अशोक जोशी, सीओ सदर और जो थाना अधिकारी हैं, तीन थानों के थाना अधिकारी कोतवाली सुबह पूर्व वो यहाँ पहुंचे। जो भीड़ थी उसको हटाया गया ताकि जो रास्ता
रह सके, कोई घटना ना हो सके। लोगों की भारी भीड़ अभी भी कोर्ट के आसपास जमा है, वो फैसले का इंतजार कर रहे हैं और कोर्ट के अंदर भी जो वकील हैं वो लगातार इस फैसले पे अपनी निगाहें टिका के बैठे हैं। जी बिल्कुल, भीड़ है और ये भीड़ बेकाबू ना हो इसी को लेकर सुरक्षा के भी खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। सीधी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ न सिर्फ गैंगरेप बल्कि साक्षी मिटाने के लिए उसे भट्टी में डालकर निर्मम तरीके से जला भी दिया गया। राहुल, पूरे देश में गुस्सा है इस घटनाक्रम को लेकर और पूरा देश न्याय की भी मांग कर रहा है। जरूरी है कि ऐसी सजा दी जाए जो कोई भी शख्स जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। जी बिल्कुल, इस कांड के बाद भी भट्टी कांड हुआ जो पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसे भट्टी में ठोक दिया जाता है, टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था, भारी लोग संख्या में पहुंचे थे, कोटड़ी थाने के बाद प्रदर्शन हुए थे, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे थे, समाज जन वहां पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उनकी उनको एक वर्डिक्ट ऐसा देना पड़ेगा जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो सके, ताकि भविष्य में किसी में भी ऐसी हिम्मत ना हो, ऐसा जो ये करना चाह रहे हैं, ऐसा जो अपराध है वो ना कर सके, ताकि किसी की बेटी की जान ना जाए, किसी का परिवार तरीके से ना उजड़े। तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करने की बहुत जरूरत है, हाल फिलहाल एक एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए ताकि जो भविष्य में हो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो, कभी भी ऐसी कोई अपराध सामने ना आए। जी जरूरी है कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए राहुल, और कोर्ट की ओर से ऐसा फैसला सामने आए जिससे कि आरोपी कोई भी जुर्म करने से पहले 10 बार सोचे और उसका रूह कांप उठे। जैसा कि तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं भिलवाड़ा से, ये सीधी तस्वीर 3 अगस्त 2023 का ये पूरा मामला है। कोटड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए उसे भट्टी में डालकर जलाने की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। ये घटना हैरान करने वाला, स्तब्ध करने वाला, जिसके बाद से ही पूरे देश में आक्रोश है और आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी वक्त फैसला सामने आ सकता है, कभी भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है और देखना होगा कि क्या दोनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाती है, क्योंकि यहां पर एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कोर्ट को कि अगर आप किसी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। राहुल, कौन कौन लोग पहुंचे हैं और वहां पर? जी, जो स्पेशल पीपी है महावीर कृष्णावत वो अंदर पैरवी कर रहे हैं और एडिशनल एसपी जो है भिलवाड़ा के विमल सिंह नेहरा वो अंदर मौजूद है, पुलिस का भारी जाब्ता अंदर मौजूद है, जो शहर कोतवाल है राजपाल सिंह वो मौजूद है, जो पुर से है तो पुर एसआई है सुल्तान सिंह वो वहां पे मौजूद है, डीएसपी की टीम मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो लवाजमा है यूं कह जाए कि एक तरीके से जो पोक्सो कोर्ट 2 है छावनी में तब्दील हो चुका है, पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, जो परिजन है पीड़िता के वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो उम्मीद है उनकी आज वो उम्मीद पूरी होने वाली है, वो लगातार सजा की मांग कर रहे थे, कैपिटल पनिशमेंट की मांग कर रहे थे, कुछ ही देर में ये फैसला सामने आने वाला है और लोगों को इसका इंतजार है, पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आज सामने आएगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष को इस फैसले का इंतजार था, वो आज इंतजार पूरा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका इंतजार आज समाप्त होगा, जो दर्द परिवार में था, जो दर्द वो झेल रहे थे पिछले 9 से 10 महीनों में, आज वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा मलहम लगेगा, क्योंकि वो लगातार एक ही मांग कर रहे थे कि दोषियों को सजा हो, फांसी की सजा हो। तो जो सजा जो फैसला आना है वो तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि उम्र कैद होती है, फांसी होती है, पर कहीं ना कहीं जो परिवार है उनको थोड़ी सी राहत शनिवार को मिली थी जब दो दोषियों को दोषी माना गया था, पर कहीं ना कहीं जो 7 को रिहा कर दिया गया उससे भी वो परेशान थे। आज पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है, इंतजार कर रहा है कि सजा क्या मिलती है उसके लिए, पर परिवार की एक ही मांग है कैपिटल पनिशमेंट और फांसी। जाहिर तौर पर राहुल, 10 महीने का इंतजार पीड़िता के परिजनों ने किया है, आप बता रहे हैं पूरा परिवार वहां पर बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिरकार पॉस्को कोर्ट से क्या फैसला इन दोषियों के लिए आता है, क्या मांग यहां पर परिवार की रही अगर आपने उनसे बात की हो? जी बिल्कुल, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए तो पीड़िता के माता पिता है, उन्होंने एक ही बात कही है कि पहले जो 7 जने बरी किए गए उस फैसले से हम बिल्कुल ना खुश हैं, उसके लिए हम आगे अपील करेंगे, वही जो दोषी हैं इनको फांसी देनी चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कोई क्रम वापस ना हो सके, हमारी बेटी की जैसे जान गई वैसे किसी की जान ना जा सके। तो कहीं ना कहीं माता पिता परेशान है, परेशान जो आप स्क्रीन में देख पाएंगे कि जो एडिशनल एसपी विमल सिंह नेहरा वो कोर्ट रूम से बाहर आ चुके हैं, हलचल यहाँ पे देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मूवमेंट हुआ है, तो हो सकता है कुछ ही क्षण में जो है कि फैसला
सामने आ जाए। जो पीड़ित परिवार की हम बात कर रहे थे, जो पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं परेशान है और उनको आज उम्मीद है कि एक बड़ा फैसला सामने आएगा, वो कयास लगा के बैठे हैं कि और उनको विश्वास है, वो अपनी बात रख रहे हैं सामने कि फांसी की सजा दी जाए। वहीं जो महावीर कृष्णवर्धन पीपीओ मजबूती से पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जब ये मट्टी गोटी कांड हुआ था तो जो समय तत्कालीन जो समय दिनेश आई मैन जो पुलिस महकमा था पूरा यहाँ पे था, दिनेश एम एल जी यहाँ पे थे, आईजी जो थे अजमेर के वो यहाँ पे पहुंचे थे, इसकी जो जांच थी जो आई थी उस समय श्यामचंद्र विष्णु थे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आदेश सिद्धू थे, जिला कलेक्टर आशीष मोदी थे, तो कहीं ना कहीं उस समय बहुत ही मजबूती से काम किया गया था, मुजरिमों को भी जल्द पकड़ लिया गया था। पर जो ये 10 मिनट का इंतजार है परिवार के लिए पर, और अब फैसले की घड़ी आ गई है राहुल, सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि कोर्ट आखिरकार अपने फैसले में कितनी सजा इन दोषियों को सुनाता है। दो सगे भाई हैं कालू और कान्हा, जाहिर तौर पर कोर्ट पहुंच चुके हैं और आप बता रहे हैं कि सुरक्षा भी वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है, पीड़ित परिवार के तमाम सदस्य मौजूद हैं जो 10 महीने से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। आज चूंकि सुनवाई भी होनी है राहुल, की आखिरकार इन दोनों दोषियों को कितनी सजा मिले, दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से क्या तैयारी है, चूंकि जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगी ये सुनवाई, बहुत महत्वपूर्ण होगी, दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं? जी बिल्कुल, जो दलीलें दी गई थी दो दो पक्षों से, कहीं ना कहीं जो ऑर्डर शीट है उसमें लिखी जा चुकी है। आज फैसला सुरक्षित रखा गया था क्योंकि दो को दोषी मान लिया गया है और साथ को बरी किया गया है, महावीर कृष्णावत जो कि स्पेशल पीपी है। राहुल क्लियर कीजिए, क्योंकि पहले जो फैसला आया था वो फैसला आया था कि दोषी करार दिया जाए, दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया गया और जो परिवार के दूसरे सदस्य थे जो आरोपी थे साथ उनको बरी कर दिया गया, जिसमें आरोपी के बहन थी, पत्नी थी, माता पिता थे और अन्य लोग भी थे। लेकिन क्या आज फैसला सिर्फ सजा को लेकर सुनाया जाएगा या उसको लेकर पहले सुनवाई होगी? नहीं, जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया था, आज सजा सुनाई जाएगी, आज सजा पे फैसला सुनाया जाएगा। जो 7 जने हैं जो परिजन थे इनके जो दोषियों के, उनको बरी कर दिया गया था, जो कि आज बड़ा दिन है इसलिए क्योंकि जो दोष सिद्ध हुए जिनके दो व्यक्तियों पे, उनकी सजा पे आज फैसला सुनाया जाएगा। उसी का इंतजार परिजन कर रहे हैं, उसी का इंतजार भिलवाड़ा के लोग कर रहे हैं, उसी का इंतजार पूरे भारत के लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भट्टी कांड पर जो फैसला आने वाला है उस पर नजर पूरे भारतवर्ष की है। जी, एक लंबी गवाही हमने देखी, एक लंबी यहाँ पर कानूनी लड़ाई हमने देखी है। इस मामले में सरकार की ओर से 43 गवाहों के बयान पंजीबद्ध कराए थे, जरा वो पूरी प्रक्रिया बताइए राहुल, जो आज आखिरकार अब न्याय के मुहाने पर खड़ी हुई है। राहुल जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सरकारी लवाजमा था, जिन लोगों ने जो पुलिस ने जो उस समय चार्जशीट फाइल की थी उसमें देखिए एक माह में 259 चार्जशीट जो दाखिल की गई थी, 222 दस्तावेज पेश किए थे, 43 गवाह पेश किए थे, उसके बाद आज ये घड़ी आई है। कहीं ना कहीं जो पुलिस ने उस समय जो चार्जशीट दाखिल की थी, जो सबूत इकट्ठे किए थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उसी के पैरामीटर को देखते हुए ये सजा का जो आज दिन है ये सामने आया है। पर कहीं ना कहीं देखिए हम इससे भी नकार नहीं सकते कि जो 7 जने हैं उनको भी बरी किया गया है, दो को दोष से किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो आज सजा पे फैसला आएगा उसके बाद जो ये परिवार है जो 7 जनों को बरी किया गया है उनके लिए आगे अपील करेगा, तो कहीं ना कहीं जो परिवार है इंतजार कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा है, उस बेटी का माँ बाप मौजूद है, उसके परिजन मौजूद है, उसके भाई जो भी है काका बाबा के जो भी भाई बहन है वो सारे मौजूद है, कहीं ना कहीं बेंच पर बैठ के वो इंतजार कर रहे हैं उस फैसले का। आके उनकी टिकट आके उनकी गेट पर है पोक्सो कोर्ट के, टूटे कब पीपी बाहर आते हैं और उस फैसले की घड़ी में हम फैसला बताते हैं। जी, जिन जज को आज फैसला सुनाना है क्या वो पहुंच चुके हैं कोर्ट? राहुल आपके पास क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, जो जज है इनको कोर्ट फैसला सुनाना है वो डाइस पे पहुंच चुके हैं, अंदर वही प्रक्रिया चल रही है कि सजा पे फैसला सुनाना है, वही प्रक्रिया अंदर चल रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है डाइस लाइव, वो पॉक्सो कोर्ट का गेट है, बस वहीं से वहीं पे फैसला सुनाया जाएगा और बाहर जब पीपी आएंगे वो सजा पे जो फैसला होता है उसके बारे में सबको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इंतजार है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, लोगों की जो जिज्ञासा है, जो लोग बात चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट हो उसके बारे में थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। कैपिटल पनिशमेंट की मांग भिलवाड़ा के लोग कर रहे हैं, राजस्थान के लोग कर रहे हैं, पीड़ित परिवार लगातार पिछले 10 महीने से न्याय की एक लंबी लड़ाई लड़ रहा था, जिसका आज फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। पॉक्सो कोर्ट की तरफ से बता दें, दो सगे भाई जो मुख्य आरोपी थे काल